दोस्तों, यहाँ पर आरपीएफ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक डाउट आ रहा है कि क्या आरपीएफ एग्जाम के लिए फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आरपीएफ के एग्जाम दो टाइप के होने हैं, एक एसआई का होना है, कांस्टेबल का। कांस्टेबल की तो एलिजिबिलिटी ही 10th है, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं उठेगा ऐसा। लेकिन एसआई में जो एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए जो सोच रहे हैं बच्चे की, भैया अगर मेरा फाइनल ईयर में है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसमें एक प्रायर कंडीशन होती है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपकी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर ग्रेजुएशन चाहिए आरपीएफ एसआई में, तो जिस दिन आपका फॉर्म अप्लाई होगा उस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। ठीक है, कि आप ग्रेजुएशन के रिजल्ट में पास हो चुके हैं, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अभी कोई नोटिफिकेशन एज सच नहीं आया है कि भाई आरपीएफ का फॉर्म भरा जा रहा है। जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस दिन तक आप वेट कर लीजिए, क्या पता आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका हो और आप फिर एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज आपकी किस में है, आरपीएफ सही में। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना और जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपको ना क्लियरली जब एक बार फॉर्म आएगा तो उसमें भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने नोटिफिकेशन देखी है पिछली जितनी रेलवे की नोटिफिकेशन, उन सभी में ये चीज क्लियर कही जाती है कि भैया जो जिस दिन फॉर्म भरा जाता है उस दिन तक जो है पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन का आपको जो है वेट करना है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ सबकी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, क्योंकि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद वैकेंसी आ रही है, तो इतने में तो सभी ग्रेजुएट हो ही चुके होंगे। तो वीडियो को एक बार शेयर करिए, जुड़िए टेक्स्ट बुक के साथ और मेरे साथ। मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को सभी के सभी शेयर कर देना, और जो भी बच्चा आरपीएफ का एग्जाम देने वाला है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आप आरपीएफ एसआई या कॉन्स्टेबल किसका एग्जाम देने वाले हैं। अगर दोनों देंगे तो दोनों का भी कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आप सभी से बाकी क्लासेस में।